फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, जो कि आप आराम से किसी भी फेस्टिव सीजन में पहन सकते हैं। इट्स नॉट कि आपको दिवाली में ही पहनना हो, अभी कितने भी फेस्टिव सीजन आएंगे, यहाँ तक कि आप अपने किसी कोई वेडिंग पार्टी मेकअप लुक है उसमें भी आप इसे कैरी ऑन कर सकते हैं। कि इसमें मैंने कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं कर रखा है, बस आईज में थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने की कोशिश कर रखी है और लिप्स थोड़े से मैंने ब्राइटन अप कर रखे है, लेकिन ज्यादा ब्राइटन अप नहीं कर रखे क्योंकि वो ग्लैम पार्टी मेकअप लुक लगेगा और मैं चाहती थी एकदम सटल सा मेकअप लुक। आप इसे न्यूड लिपस्टिक के साथ पेयरअप कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी रस्टिक लिपस्टिक के साथ इसे पेयरअप कर सकते हैं। इवन इफ यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट बोल्ड लिप्स, तो आप रेड कलर की लिपस्टिक के साथ भी इसे पेयरअप कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक टर्न आउट होगा। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे मेकअप को कर रखा है विथ हुप इयररिंग्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का चाहती थी। और मैंने अपने ये पूरा टॉप ले रखा है येलो कलर का विथ रफल स्लीव्स, ताकि ये थोड़ा सा एकदम फंकीनेस लगे और थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न इफेक्ट आए। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस लुक, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हिट द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको पता है आपको क्या करना, आपको 10 लाइक तो जरूर देने हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर चुका, उसके बाद हम जिस यूजिंग प्राइमर, और प्राइमर के लिए हम जिस यूजिंग मालियो का इन्फिलिबल प्राइमर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो मैं अपने टी जोन पे ज़्यादा फोकस करके अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड अप कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लगेगा, क्योंकि नाउ डेज आई एम जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई बैकग्राउंड, ताकि जहाँ मुझे अच्छा लगे बैकग्राउंड तो मैं उसी को परमानेंट एरिया बना लूँगी अपने वीडियो शूट का। सो यू माइट बी सीइंग द डिफरेंस। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर, जो कि एन वाई वी का कंसीलर इन द शेड 01। मैं इसका रिव्यू पक्का करने वाली हूँ आपके साथ कि वेदर इट इज़ अ गुड कंसीलर और नॉट। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपने पहले पूरे अपने आईलिड में लगा लूँगी और अच्छे से इसे ब्रश की मदद से, कबूकी ब्रश की मदद से, मैं इसे ब्लेंड अप कर लूँगी। तो कवरेज वाइज इट इज़ गुड, थोड़ा सा क्लीजअप हो जाता है तो थोड़ा आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। तो देख सकते हैं, इसने अचानक से मेरे आईलिड को अच्छे से ब्राइटन अप कर चुका है और पूरे डार्कनेस को कवर अप कर चुका है, ताकि मेरे जो आई शेडोज हैं वो अच्छे से, उनका जो पिगमेंटेशन है वो अच्छे से दिखे। तो देख सकते हैं कितना सही लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं सेट कर लूँगी एन वाई बी के कॉम्पैक्ट से इन द शेड 01। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है, लाइक नॉर्मल यूज़ के लिए परफेक्ट है। तो मैं इसे अच्छे से पाउडर ब्रश की मदद से कर लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एसएफआर कलर का 10 आई शेडो पैलेट, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई शेडो पैलेट है। इसे आप अपने आईब्रो पे न्यूड कलर से आई शेडो, अब इसी तरह मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर ले रखा है जो कि एज अ कॉन्टोर यूज़ कर सकते। तो आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है ये। तो मैं इसे अपने पूरे आईलिड में अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जो ये वाला पैलेट है बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट लगता है मुझे, क्योंकि आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टोर कर सकते हैं, ब्राउ फिल कर सकते हैं, आईलिड में कलर स्प्रेड अप कर सकते हैं, ट्रांजिशन कलर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूजेस के। फिर उसके बाद फ्रेंड, मैं आज यूज़ कर रही हूँ एसएफआर कलर का द ब्लश न्यूड पैलेट, और इसमें से पहले सबसे पहले मैं वो डार्क बर्गंडी शेड लूँगी फ्लैट शेडर की मदद से। इस ब्रश का जो, इस पैलेट का ये डिसएडवांटेज है कि इसमें किक ऑफ बहुत है, कलर्स लाइक बहुत ज़्यादा फॉलो ऑफ करते हैं। तो इसे अच्छे से फ्लैट शेडर की मदद से थोड़ा सा वेट कर लिया है मैंने, ताकि ज़्यादा फॉलो अप ना गिरे। तो देख सकते हैं कि मैं इसे अच्छे से अपने सिर्फ आईलिड एरिया पे लगाऊंगी, और पिगमेंटेशन इज़ गुड बट इसमें फॉलो अप होता है, यही इसका मेन डिसएडवांटेज है। उसके बाद फ्रेंड्स, मुझे लगा कि ये नहीं हो रहा था, तभी मैंने अपने फिंगर टिप की मदद से इसे कर रखा है डिज़ायर कलर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, एक कॉपरिश कलर लेके मैं इसे फिर से अपने आईलिड में, लाइक आई जस्ट वॉन्ट अ स्मोकी इफेक्ट, और उसके बाद ही थोड़े से हार्श लाइन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक कॉपरी लुक आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हाफ ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी हार्श लाइंस को, ताकि ये ब्लेंड अप लगे और मेरा जो आई शेडो है वो परफेक्ट लगे, रेदर देन जस्ट वो हार्श लाइन दिखेंगे पूरी। अदरवाइज़ आपको अच्छे से ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आईलाइनर लगा चुका है और आईलैशेस लगा चुके हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए लैक्मे का परफेक्टली लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड मार्बल। उसके बाद मैं फ्रेंड्स, इसे अपने फेस पर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी फिंगर टिप की मदद से। तो देख सकते हैं, मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेरा फेस अजीब सा पेल लग रहा होगा। तो ये मेरा जो फाउंडेशन है, मेरी स्किन टोन एकदम परफेक्ट है और थोड़ा सा कवरेज, लाइट कवरेज देता है, डेली बेसिस के लिए सही है। तो मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी अपने ब्रश की मदद से। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट कवरेज है, लाइक ठीक है, डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है ये। अगर आप इसका कवरेज बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आपको दोबारा से 2-4 स्ट्रोक्स और करने पड़ेंगे। तो मैं अपने नेक एरिया में भी इसे लगा लूँगी,
और इस तरीके से अपने फॉरहेड में भी लगा लूँगी पूरे अच्छे से बैलेंस आउट करने के लिए। अभी आपको थोड़ा सा वाइट कास्ट लग रहा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में नहीं लग रहा था, जैसे रिंग लाइट की वजह से आपको लग रहा होगा, इफेक्ट आ रहा होगा ऐसे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कंसीलर सेम कंसीलर यूज़ करूँगी और एक डॉट डॉट तरीके से यूज़ करूँगी इसे कंसीलर को, अपने नोज़ एरिया में भी और ब्रिज ऑफ द नोज़ और फॉरहेड में भी और अपने लिप्स में भी। तो इस तरीके से और सेम ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड अप कर लूँगी, तो देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड अप कर लेना है आपको। ये थोड़ा सा कंसीलर ब्लेंड होने में टाइम लेता है लेकिन थोड़ा सा क्रीज अप जल्दी हो जाता है इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, और मैं नेक में भी थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से अपने फेस मेकअप बेस मेकअप कम्प्लीट कर लिया। उसके बाद सेट करूँगी सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से, NYBAC की कॉम्पैक्ट से, और एक पाउडर ब्रश की मदद से अच्छे से अपने मैं पूरे फेस पे स्प्रेड ऑफ कर लूँगी। आप चाहे तो बेकिंग कर सकते हैं लेकिन मैं कॉम्पैक्ट पे सेटिस्फाइड हूँ तो मैं कॉम्पैक्ट ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉन्टोर के लिए सेम पैलेट लेने वाली हूँ SFR का, और इसमें से जो ब्राउन कलर जो कॉन्टोर का शेड है उसी से मैं कॉन्टोर करूँगी अपने चीक्स को और अपनी जॉ लाइन को। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्टोर शेड है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सेम एक दूसरा ब्रश ले रखा है, थोड़ा सा एंगल ब्रश है तो वो अच्छे से कॉन्टोर के लिए हेल्प करता है मुझे। तो देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको कर लेना है और अपनी जॉ लाइन को, क्योंकि यू कैन जस्ट सी माय डबल फेस जो मेरा ये एकदम बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, इसीलिए अब थोड़ा सा फॉरहेड को भी कर लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स एक साफ क्लीन ब्रश की मदद से अपने नोज़ को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी, क्योंकि कॉन्ट्रोल की मदद से आपके फेस को डेफिनेशन मिल जाता है, अदरवाइज जो फाउंडेशन की वजह से एकदम फ्लैट फ्लैट लग रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स सेम ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड अप कर लूँगी, देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो ब्राउन कलर का शेड है ये वाला, तो इससे मैं अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी इस तरीके के फ्रेंड, थोड़ा सा आर्च दूँगी और थोड़ा सा फिल करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा शेप में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लीन अप करने के, थोड़ा सा शेप में लाने के लिए मैं इसे अच्छे से फिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली कितना इफेक्ट आ जाता है, तो आप इस तरीके से फिल करने की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ब्रश का टाइप आप खुद ही देख सकते हैं। मैंने ये वाला ब्रश ले रखा है क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लश, और इसमें से जो थोड़ा सा पीची टाइप का ब्लश है इसको मैं ले रही हूँ। ये एज अ ब्रॉन्जर भी काम करेगा और एज अ ब्लश भी काम करेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्रश है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये वाला ब्लश, क्योंकि एकदम न्यूट्रल टाइप के ब्रशेस हैं तो इसमें ज़्यादा वो नहीं आता। तो फ्रेंड्स मैंने इसे लगा चुका है। उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए ले रही हूँ यहाँ पे इन कलर का हाइलाइटर इन द शेड 01 हाई बीम, और ये बहुत ही ज़्यादा कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं, एकदम किक ऑफ दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हाइलाइटर है, आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है। उसके बाद मैं ब्रिज ऑफ द नोज़ में भी सप्लाई कर लूँगी, और ये एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर लग रहा था, आपको लग रहा होगा रिंग लाइट की वजह से, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा। और अपने फॉरहेड में भी कर लूँगी, थोड़ा सा ब्राउ एरिया में भी कर लूँगी, थोड़ी सी लिफ्ट अप लगे तो आप देख सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को, लेकिन मेरे को हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं लगा रही हूँ। जब फ्रेंड्स पेंसिल ब्रश की मदद से मैं इनर कॉर्नर ऑफ माय आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा, और अपनी ब्राउ बोन में भी लगा लूँगी थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लिफ्ट अप लगेंगी वो, तो इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी कि मैं सेम पैलेट ले रही हूँ SFR कलर का, और अपनी लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा स्मच करूँगी ताकि थोड़ा सा एक स्मजिंग इफेक्ट आए, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आए। दो कलर मैंने लिए थे अपने आईलिड के लिए वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं स्टे कॉफी का काजल से अपने वाटर लाइन को लगा लूँगी, प्लेस कर दूँगी कलर। उसके बाद फ्रेंड्स हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक ये रही शेड। ये है मेरा पूरा मेकअप लुक, आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो क्योंकि आई एम जस्ट लविंग इट पर्सनली। मुझे इजी सा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा सटल सा मेकअप लुक लग रहा है। तो अगर आपको फ्रेंड्स अगर आपको लुक अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हिट द लाइक बटन टू ऑल्सो। सो या फ्रेंड्स मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन बाय।